हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के टाइम में हर किसी के पास एक फ़ोन तो ज़रूर मिल जाएगा, और उस फ़ोन को एक्सेस करने के लिए उसमें एक जीमेल अकाउंट भी क्रिएट किया होगा। और जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद उस जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं, या फिर कहीं नोट करके नहीं रखते हैं। तो उन्हें बाद में ज़रूरत पड़ती है, जब इस जीमेल आईडी को किसी और डिवाइस में लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर पासवर्ड डालना होता है, तो उस समय पे हमें पासवर्ड पता नहीं रहता है। तो इस कंडीशन में हम उस पासवर्ड को कैसे रिसेट करेंगे बिना किसी रिकवरी मेल के और बिना किसी फ़ोन नंबर के, आज की इस वीडियो हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अपने फ़ोन में जो भी हमने जीमेल आईडी क्रिएट किया है उसका पासवर्ड भूल गए हैं, तो उसको हम कैसे रीसेट करेंगे बिना किसी फ़ोन नंबर के और बिना किसी रिकवरी मेल आईडी के। तो चलिए जानते हैं कैसे रीसेट करेंगे। तो उसके लिए हमें अपने जीमेल, जो फ़ोन में जीमेल ऑप्शन होता है, उसको हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जीमेल यहाँ पर ओपन हो जाती है, उसके बाद हमें अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना होता है। तो क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें काफ़ी जो भी हमने जीमेल आईडी लॉगिन की हुई है वो यहाँ पर सब शो हो जाते हैं। अब जिस जीमेल आईडी को आपको पासवर्ड रिसेट करना है उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब देखें, मैं ये ऊपर वाली जो जीमेल आईडी है इसका पासवर्ड रिसेट करना चाहता हूँ, तो मैं मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, और इसमें हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जीमेल आईडी से रिलेटेड, जैसे कि होम, पर्सनल इंफॉर्मेशन, डाटा और प्राइवेसी, ये सभी चीज़ें हमें दिखाई देंगे। तो हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें देखिए एक ऑप्शन मिलता है पासवर्ड का, तो हमें इस पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे ये पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पर हमसे ये जो हमारी ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हमें पासवर्ड नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ और यहाँ पर ऑप्शन निकल के आते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिनका यूज करके हम अपनी इस जीमेल आईडी का पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर पर है देखिए जीमेल, जो हमने रिकवरी मेल डाली थी वो यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन वो पूरी शो नहीं हो रही है, तो हम इसका भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता हमने कौन सी मेल आईडी का रिकवरी मेल के लिए यूज किया था। और उससे ऊपर थर्ड सेकंड नंबर पर है एंटर योर पासवर्ड, अब हमें पासवर्ड भी नहीं पता है तो हम पासवर्ड क्या एंटर करेंगे। और उससे ऊपर फर्स्ट नंबर पर है कन्फर्म योर स्क्रीन लॉक, अब हम जो फर्स्ट नंबर पर कन्फर्म योर स्क्रीन लॉक ऑप्शन हो रहा है, इस पर हम क्लिक करके अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। तो इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ट्राई अनदर वे और कंटिन्यू। तो हम स्क्रीन लॉक के द्वारा ही पासवर्ड रिसेट करेंगे, तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए हमें वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है अपने डिवाइस को, तो हम यहाँ से कन्फर्म योर फिंगरप्रिंट सो गूगल डॉट कॉम कैन वेरीफाई इट्स यू। तो हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, कैंसिल का है और एक यूज स्क्रीन लॉक का है। तो हमारे इस फ़ोन में, हमारे इस डिवाइस में फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके में भी है तो आप भी वेरीफाई करने के लिए फिंगरप्रिंट का यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसमें दूसरा ऑप्शन दिख रहा है यूज स्क्रीन लॉक, आप जो पैटर्न लॉक डाला है, आपने जो पैटर्न लॉक लगाया है उसका यूज भी कर सकते हैं। तो मैं फिंगरप्रिंट का यूज करूँगा, तो मैं फिंगरप्रिंट का यूज करता हूँ अपने पासवर्ड को रिसेट करने के लिए। तो यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट वेरीफाई हो गया है, और यहाँ पर देखिए
यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है गूगल कन्फर्म दिस फ़ोन इज़ योर, यानी गूगल को पता चल गया है ये फ़ोन हमारा है और अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होता है और हमें यहाँ पर न्यू पासवर्ड एंटर करना होता है। तो दोस्तों देखा आपने, हमने बिना किसी नंबर के और बिना किसी रिकवरी मेल के अपने जो जीमेल आईडी का पासवर्ड है उसको रिसेट कर दिया है। अब हमें यहाँ से दूसरा पासवर्ड नया क्रिएट करना है, तो यहाँ पर न्यू पासवर्ड हम एंटर करेंगे और उसके बाद हम इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इस पासवर्ड को कहीं नोट करके रख लेंगे, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, तो हमने यहाँ पासवर्ड एंटर कर दिया है और हम सीधे नीचे चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें एक मैसेज शो होगा और हम यहाँ पर ओके चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा पासवर्ड चेंज हो रहा है और यहाँ पर हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया है, नीचे आपको यहाँ मैसेज भी दिख रहा होगा। तो इस तरह से हम अपने किसी भी जीमेल आईडी का अपने जो भी हमने अपने फ़ोन में जीमेल आईडी को यूज़ किया है उस जीमेल आईडी का पासवर्ड बिना किसी फ़ोन नंबर के और बिना किसी रिकवरी मेल के रिसेट कर सकते हैं और नया पासवर्ड डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमें गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है और इस जीमेल आईडी को हम यूज कर सकते हैं। सो आई होप अब आप जान गए होंगे कि किस तरह से हम अपने फ़ोन में जीमेल आईडी का पासवर्ड बिना किसी फ़ोन नंबर के और बिना किसी रिकवरी मेल के रिसेट कर सकते हैं और नया पासवर्ड क्रिएट करते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।